बदलाव की बात कर रहा है पूर्वांचल इस बार, रामाशंकर राजभर जी का ये दावा है। लेकिन सतीश प्रकाश जी, मैं आपके पास समझने के लिए आना चाहता हूँ कि ये जो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं सर, इसमें एक्चुअली क्या काम करता है? इसमें खुद से जोड़कर अगर एक अमुक जाति से कोई ताल्लुक रखता है, इसमें जातीय जुड़ाव काम करता है, इसमें किसी के एस्पिरेशंस और एम्बिशन काम करते हैं, इस पॉलिटिक्स में एक्चुअली क्या फैक्टर है जो काम करता है गोंद का, जोड़ने का, ग्लू का? देखिए गौतम जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जातीय पॉलिटिक्स को अलग हटा करके हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का एनालिसिस नहीं कर सकते, ये सच है बिल्कुल। और देखिए योगी जी जिस तरीके से, जैसी चर्चाएं थी, वो किसी धार्मिक नगरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय में जैसा वो महासो अयोध्या को छोड़ करके वो अगर वो गोरखपुर में आए हैं तो उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए अगर पूर्वांचल की पॉलिटिक्स देखेंगे तो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण के से ऊपर अगर कोई एक वोटर सेक्शन है तो वो दलित वोटर सेक्शन है, 23% हर विधानसभा के ऊपर बैठा है। उसके बाद ब्राह्मण एक वोटर है जो सबसे बड़ा वोटर सेक्शन है। और 2017 के चुनाव को अगर आप आधार ना माने तो तमाम आजाद भारत में जितने उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का जो वोटिंग पैटर्न है वो क्षत्रिय समाज से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सच है कि देखिए गोरखपुर मठ कहीं ना कहीं आस्था का एक मंदिर रहा, लेकिन 80 के दशक में जाकर के यही गोरखपुर मंडल जो मठ जो है वो आस्था की जगह कहीं ना कहीं ठाकुर राजनीति का एक केंद्र बना और योगी जी ने उसकी बड़ी अगुवाई करी। और देखिए तमाम इस पूर्वांचल में दो ही लोगों के बीच में सत्ता का संघर्ष है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको उसकी विधानसभा में लगभग 60,000 वोट उसके पास होंगे। अगर आप पिछले लोकसभा के चुनाव में भी देखेंगे कि जो बीजेपी की सुनामी है उस सुनामी के दौरान, आप ये कह रहे हैं कि दलित और ब्राह्मण तय करेंगे? नहीं, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा, जो भी उम्मीदवार होगा, अगर किसी भी दल का जो उम्मीदवार होगा वो जीरो से शुरुआत करेगा, बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो लगभग मिनिमम 40-45,000 वोटों के साथ शुरुआत करेगा। तो सर यहाँ से शुरुआत होने के बाद फिर मामला आगे कहाँ चला जाता है? सरकार बनाने तक क्यों नहीं पहुंचते? ये शुरुआत के ओवर्स में अच्छे रन बन जाते हैं तो बाद में क्या हो जाता है सर, स्लॉग ओवर्स में? नहीं, देखे, सरकार जो जीता वो सिकंदर होता है सर। अच्छा सतीश जी, मैं आपके पास आता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन रामकृपाल जी के पास मैं जाना चाहता हूँ। रामकृपाल सर, पूर्वांचल की सियासत आपकी निगाह में? देखिए दिनेश जी, मैं तो कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं केवल पास बीता हुआ जो कल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्टेट है जहां पे हर 3 साल, मैक्सिमम 3 साल पे 14 के बाद से चुनाव हो रहे हैं, यानी 14, 3 साल के बाद 17, फिर उसके बाद 2 साल के बाद 19 और 19 के बाद 3 साल के बाद 22, यानी हर 3 साल एवरेज अगर आप देख ले तो 2 से 2.5 साल का पड़ता है। तो 14 से लेकर के अब तक का जो नतीजे रहे हैं, अगर आप लेटेस्ट मानेंगे, चाहे वो 2019 का माने या 17 का माने, तो 80% सीट जो बीजेपी को मिली है वो किसी भी, उसका एक प्रमाण है कि वोटर क्षेत्रीयता, जातीयता, इवन धर्मांधता, इससे फिर उठ करके 80% सीट मिलने का मतलब होता है कि सारी समीकरण टूट जाती है। जातियां वही है सन 52 से लेकर के आज तक, आजादी से लेकर के आज तक। लेकिन अगर आप उठा कर देखेंगे, जब लोहिया कहते थे 100 में 60, बात सही है, वो जो पिछड़ा वर्ग है वो निश्चित रूप से आधा, अगर एक सेब है तो उसका आधा तो वही है। लेकिन अगर आप देखें कि सन 52 से लेकर के तो कांग्रेस रही बहुत दिनों तक, 67 में सामाजिक न्याय चौधरी चरण सिंह आए, पीजेंट्री पार्टी का एक उभार रहा थोड़े समय के लिए। उसके बाद से अगर आप देखेंगे भारतीय राजनीति में, तो मैं ये कहता हूं कि 2014 के बाद से बहुत बड़ा एक चेंज आया है, एक इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट एक लाभार्थी बढ़ खड़ा हुआ है, जिसको 2019 में जो लोग नहीं मानते थे, जो कहते थे कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जिसको घर मिल गया है। मैं कहता मतलब हूं आप कह रहे हैं सर, जातियों में अब एक नई जाति है, लाभार्थियों की जाति। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है कि वो लाभार्थी जो 14 से अभी तक नहीं छोड़ा, 14 में तो लाभार्थी भी नहीं था, तो 19 में जो 19 में नहीं छोड़ा, 17 में नहीं छोड़ा, अगर मुझे कोई प्रमाण मिल जाए कि वो एकदम से छोड़ कर, और देखिए 30-35% का है वो,
केवल फेज लगाने से काम नहीं चलेगा, अगर 35 में से 5 आप लेके भी आए तो मैं ये कहता हूँ कि 47 में देखिए जो पूर्वानुमान भी आ रहे हैं पूर्वांचल के भी आप देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं अपर हैंड अभी भी बीजेपी के साथ वो इंटैक्ट है। उसमें से कुछ चीजें एंटी इनकम्बेंसी भी अगर आप मान लें तो मैं कहता हूं कि अगर 100 बीजेपी को कम कर दीजिए और समाजवादी पार्टी में 100 सर, मैं लेकिन ये पूछना चाहता हूं, सर्वे करने वालों से गलती हो सकती है सर, लेकिन वो लोग मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूं सर कि वो लोग जो सियासत में 5 साल रहे, अगर उनको अपना भविष्य इसी पार्टी में दिखाई दे रहा होता, और ये धाकड़ लोग हैं, इनको इनको मालूम है, नब्ज मालूम है, अपने समाज की भी नब्ज मालूम है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ये जाते क्यों सर? अगर ये लाभार्थी जाति विकसित हुई है तो क्या ये काउंट नहीं कर रहे क्या उन पर? मैं आऊंगा सर, ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इसी पर मैं आपसे बात करूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।